कौन है? कोई नहीं, बच्चा था, शरारत कर रहा था। असल मसला ना बच्चों का नहीं, इनके बड़ों का है, समझाते नहीं है वो। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। मेरी पसंद का खाना नहीं भी होगा तब भी खा लूँ। कोई फायदा नहीं आपकी बिरयानी में, आपकी पसंद के आलू तो खत्म हो चुके हैं। मेरी जान, जिंदगी अगर एक आलू छीनती है तो तीन आलू देती भी है। कैसी बहकी बहकी बातें करी, ठीक हो ना? धूप में खड़े होकर पढ़ाएगी तो दिमाग पे तो असर होगा ना। तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की ये चक चक से। दुकान की बिजली चली जाती है वक्त पे वक्त, किसे बात करो तो लोग लड़ने झगड़ने पे आ जाते, हर रोज नया मसला। कोई बात नहीं अब्बा, कल तक तो दुकान भी नहीं थी लेकिन अब है, सब ठीक हो जाएगा, बिजली भी आ जाएगी। आयशा लेकर भी आ जाओ ना बहन का खाना। से पता है, कुछ चीजें खुदा की तरफ से आती हैं, वो छीनता भी है नवाजता भी है, इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा जो कुछ मेरे साथ हुआ देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, और आप गवाह हैं इस बात के, हम सबका यहां आना इसी ना हम सबकी भलाई है। रायते तो दो। अरे यार, आलू मेरी जान। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़ अब्बा। खुदा हाफिज़। बच्चा था, शरारत कर रहा था। असल मसला ना बच्चों का नहीं, इनके बड़ों का है, समझाते नहीं है वो। आ जाओ। सुबह फिर जल्दी जाना है फैक्ट्री में। Thank you.
अशोक, अशोक, मैं आपके पास ही आने वाला था। बाहर बच्चे अकेले बैठे। भानूर नहीं आई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंची। शराम, ब्रेकफास्ट? नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। आप कीजिए प्लीज। आप बाकी काम संभालिए जाके, मैं देखता हूँ। चलो भाई बच्चों, आ जाओ, आ जाओ अपनी जगह पे। शाबाश शाबाश, आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अरे टीचर नहीं, मैं आपका शहराम भाई। टीचर मैं सिर्फ आज एक दिन के लिए हूँ। मानूर आप कहाँ हैं? उनको मैंने मैसेज किया है, वो जैसे ही मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो पढ़ाई शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे मौसमों के नाम। मौसमों के नाम, ठीक है? आप सब में से किसको पता है मौसमों के नाम? एक करके पूछता हूं मैं। आप बताएं। गर्मी। गर्मी, वेरी गुड। समर। और किसको पता है? सर्दी। सर्दी, सर्दी, विंटर, बहुत जबरदस्त। और किसको पता है? बस इतने ही होते हैं। नहीं, और मौसम भी होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखें तो होता है समर, ठीक है? आगे बोलिए विंटर, और फिर आता है ऑटम, और फिर स्प्रिंग। समर और विंटर के बारे में, सर्दी और गर्मी के बारे में तो आप सबको पता है। खिजां, खिजां में रातें लंबी होती हैं और दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। बहार, बहार आपकी टीचर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सो सॉरी आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई ना। हे, क्या सब ठीक तो है ना? जी जी, सॉरी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सकी, वो असल में अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर ऐसी बात थी तो आप ना आती आज, अगर आप कहें तो मैं। नहीं नहीं, इन बच्चों के बगैर तो मेरा भी दिल नहीं लगता। थैंक यू, आपने क्लास शुरू की, मुझे लगा आज ये बेचारे ऐसे ही बैठे होंगे अकेले। अरे ऐसा हो सकता है क्या? ये सिर्फ आपका काम नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी। चलो भी बच्चों, ओवर टू योर टीचर। अब आपको आपकी टीचर पढ़ाएंगी। ये रहा आपका चौक, ये रही आपकी जगह। थैंक यू सो मच। श्याम भाई, आपने बताया ही नहीं बाहर के मौसम में क्या होता है। बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं, हर तरफ खुशबू होती है, खूबसूरती होती है, रंग होते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आप ऐसी हर बात छुपाते हैं क्या? क्या छुपाया मैंने? आज इतना बड़ा दिन है और किसी को खबर ही नहीं है। बड़ा दिन नहीं है, इसकी वजह से मैं दुनिया में हूँ, आप जो ही दुनिया में नहीं है।
जाने के बाद चीज बेमानी सी लगती है। मुराद साहब होते तो आप ये खुशी मनाते ना, तो वो यही है आपके साथ, आपकी सोचों में, आपके इरादों में। पता है, पहले मुझे लगता था कि गम भारी होता है, बट अब एहसास हुआ है कि खुशी ज्यादा भारी होती है। जब भी खुशी आती है तो याद दिलाती है कि खुशी कभी भी छिन सकती है आपसे। अब ये तो नाइंसाफी है, खुशी के साथ भी और जिंदगी के साथ भी, और उन लोगों के साथ भी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो है भानु। अरे शरान साहब, ठीक है आप? चक्कर से आप कुछ खाया भी नहीं? आप भाई भाई शरान साहब को जरा कमरे में ले जाइए। आप प्लीज कमरे में जाइए अपने। आप ध्यान से, तारी हुआ बन के।